गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, फिर एक बार आपके लिए एसएसटी के इस 10th क्लास जो कि आपका हिस्ट्री के चैप्टर 4 में हूँ, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लेना है। ये बोर्ड में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा चैप्टर जो है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, यही 2 चैप्टर हैं। ये आपके प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक है, प्रोजेक्ट के लिए इसको रखा गया है, तो आप ज़्यादा सीरियस ना हो। आप बस 2 ही पेपर तैयार करें, 2 ही चैप्टर तैयार करें। ये चैप्टर पढ़ना जरूर है, लेकिन इसके लिए ये बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, बोर्ड में इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब इस चैप्टर में हम जब चलते हैं बच्चे, तो सबसे पहले बात आती है कि अच्छा, एक और बात, फिर से बोर्ड छोटा है तो आप जो है इस PDF की बात जरूर करेंगे। तो अब जो है देखिए, आपका आता है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें बात होती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया कैसे। तो एक कहानी सी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में या यूरोप में कहें, यूरोप में आया, कई लोग कहते हैं यूरोप में आया। यूरोप में भी सबसे पहले कहाँ, तो इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में भी सबसे पहले कहाँ आया, तो कह सकते हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, और यही कुछ कारण है कि हमारे भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी अहमदाबाद में, तो उसको भी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बच्चों, ये जो इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, इसने एक नए चीज़ को स्टार्ट कर दिया, एक नए विकल्प को, एक नई चेंज को लाके खड़ा कर दिया। अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि हमारे लोग जिनके पास जॉब नहीं था, जिनके पास खाने को नहीं था, उनके पास अब खाने को हो गया। ऐसे लोग जो गरीब थे, जिनके पास पैसों की कमी थी, जो चुप हो जाते थे, जो कुछ नहीं बोलते थे, अब वो लोग भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रहे थे, अब वो भी आवाज़ उठा रहे थे। यानी अब जो है राजाओं के खिलाफ, अब जो है किसी के भी खिलाफ रिवॉल्ट होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा था, इकोनॉमी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके आने से पहले का जो टाइम है, जिसको हम प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम है, उसमें बिल्कुल सब कुछ ऐसा नहीं था, मशीनें नहीं थी उस समय, बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि उस समय जो चीज़ें थी, उस समय गिल्ट मार्केट था। कुछ खास लोग बिजनेस में थे, कुछ खास लोग मर्चेंट्स थे, और वो दूसरों की एंट्री को बिल्कुल रोके हुए थे, उस मार्केट में एक नए किसी नए व्यक्ति की एंट्री को बिल्कुल स्टॉप किया हुआ था। अब क्या है कि वर्क बढ़ रहा था, बिजनेस बड़ा हो रहा था, लेकिन शहर में चूंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, तो जितने भी मर्चेंट्स थे वो जो है कंट्री साइड्स में जाना शुरू कर दिए। ये कंट्री साइड क्या होता है? तो कंट्री साइड मतलब देश का वो हिस्सा, वो इलाका जहाँ पे आबादी बहुत 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 कम शहर से जुड़ी हुई हो, यानी कि वो गांव का क्षेत्र, वो इलाका जो बिल्कुल गांव है, जहाँ से शहर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम भारत में बात करते हैं तो दिल्ली पटना है, लेकिन गाँव भी है, भारत गाँव का देश है, भारत आज भी गाँव में बसता है। तो वैसे जो गाँव वाला एरिया होता है, जिसको शहर से कनेक्टिविटी जिसकी कम होती है, दूर होता है वो, तो उसको हम जो है कंट्री साइड बोलते हैं। तो जितने भी मर्चेंट्स थे वो जो है, चूंकि लेबर मिल नहीं रहा था, वर्क बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेबर की प्रॉब्लम थी, तो इसको लेके उन्होंने सारे जो है अपने वर्क को लेके वो कंट्री साइड में जाना शुरू किए। कंट्री साइड में जो लोग बैठे हुए थे, जो गरीब लोग बैठे हुए थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, अचानक उनको काम मिलने लगा, उनको वर्क मिलने लगा, अच्छा वर्क के बदले पैसे मिलने लगे, तो उनका भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब देखिए, एक गरीब आदमी घर में बैठा है, कोई काम नहीं है, नो एम्प्लॉयमेंट, तो गरीब आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब क्या है कि गरीब के घर तक जाकर उसको काम दिया जा रहा है, बदले में पैसे भी मिल रहे हैं, तो अब उसकी भी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो गई। अब इधर इनका भी काम हो गया, क्योंकि इनको लेबर मिल गया। लेकिन इसी बीच धीरे 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 सभी के पास इतने पैसे आ गए कि हर किसी के पास जो है आवाज़ उठाने की ताकत आ गई। धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा, आवाज़ उठने लगी, और यही कारण रहा कि ये जो टाइम था, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम था, इस टाइम ने बहुत हद तक सपोर्ट किया उन लेबर्स का जो बहुत निम्न स्तर पे थे, बहुत नीचे के स्तर पे थे। अब हम इस चैप्टर में जो देखने जा रहे हैं वो ये कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है गिल्ड सिस्टम था, जो नए लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता था, रोकता था, लेकिन नए लोगों ने भी जो है क्या किया, अपने कॉमर्शियल चैनल बनाना शुरू कर दिया।
हर गांव, एक गांव का आदमी दूसरे गांव से जुड़ना शुरू हो गया, दूसरे गांव का तीसरे गांव से शुरू हो गया, धीरे धीरे गांव के लोग ही आपस में जुड़ गए और उन्होंने फिर अपने वेजेस की डिमांड बढ़ा दी। अब देखिए, शुरू में काम नहीं था तो काम मिला, काम इतना मिलने लगा कि अब जो है ज्यादा सैलरी की डिमांड होने लगी। तो ज्यादा सैलरी के लिए क्या करना होगा, तो नेटवर्क बनाना शुरू किया इन्होंने। कई गांव के लोगों ने आपस में जोड़ लिया, सबने तय किया कि नहीं, हम इतने कम से कम इतना पैसा लेंगे, नहीं तो उससे कम पैसे पे हम काम नहीं करेंगे। यानी कि जब लोग जुड़ते हैं, जब आप आपस में बातें करते हैं, तो जरूर उससे कुछ नई चीज निकल के आती है। और नई चीज जो थी वो डिमांड थी वेजेज की। अब जो है बिजनेस चलने लगा, चूंकि उनका भी काम हो रहा था तो उन्होंने वेजेस देना शुरू कर दिया। धीरे 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 उन लोगों का जो भी इनकम था वो इन्हेंस करने लगा। अब लोग जो है अमीर हो रहे थे। इधर जो है इंडस्ट्रीज रोज सेटअप हो रही थी। अच्छा, एक और बात कि इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा यूरोप में गई, तो यूरोप में उसका क्या रीजन है? और उसका दूसरा बात कि उसमें भी सबसे ज्यादा इंग्लैंड में गई, तो इसका क्या रीजन है? तो बच्चों, इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि यूरोप को अगर आप मैप में देखेंगे तो यूरोप हर तरफ से समुद्र से घिरा है। यूरोप का हर राज्य, हर देश लगभग जो है समुद्र से टच करता है। और उसमें जो आपका इंग्लैंड है वो बिल्कुल आइलैंड है। इंग्लैंड जो है आपका वो बिल्कुल आइलैंड है, यानी कि उसका चारों कोर, मतलब हर तरफ से इंग्लैंड जो है पानी से घिरा है। और पहले के टाइम में मतलब ट्रांसपोर्ट का एक ही मीडियम था, वो था वाटर। पहले पानी के सीप होते थे, सीप से ही चीजें यहां से वहां जाती थी। तो इंग्लैंड एक ऐसा देश बन गया, एक ऐसा राज्य बन गया, मान लेते हैं ये इंग्लैंड है। तो ये इंग्लैंड ऐसा था जिसके हर तरफ पानी था। इस पानी के चलते क्या है कि उसके यहाँ हर तरफ जो है जहाजे पहुंच रही थी, जहाज कहीं से भी पहुंच जाती थी। यानी कि इंग्लैंड का हर गांव, हर शहर, हर जगह इंडस्ट्रीज लगाने की सुविधा थी, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन था। यानी कि आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजिली हो जाता था बहुत जगह से, हर जगह से। यही कारण है कि इंग्लैंड सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। तो ये सवाल बोर्ड में आता है कि व्हाई। हालांकि ये चैप्टर अब इस बार बोर्ड में नहीं है, इस बार ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो बस आपको जानना है। तो अभी क्या है कि यही सवाल था कि भाई बोर्ड में ही पूछा जाता था कि इंग्लैंड का जो केस है वो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ये माना गया, तो क्यों हुआ, उसका कोई रीजन है? तो यही एक रीजन था कि इंग्लैंड इज अ आईलैंड, और ड्यू टू आईलैंड मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ द कंट्री आर टचिंग विद द सी, सो इजली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल हेयर। अब इस चीज को पढ़ने के बाद, इन चीजों को जानने के बाद, हम जो चलेंगे उसमें बात करेंगे हैंड लेबर कि जो लेबर थे वो मैनुअल वर्क करते थे। मैनुअल यानी कि हैंड वर्क होता था। बाद में जो है यही वर्क बढ़ गया, और बढ़ने के बाद हमने देखा कि पहली बार स्टीम इंजन बना। बाद में धीरे 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 फैक्ट्रीज आने लगी। आते 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 मशीन्स इतने बढ़ गए हैं कि आज मैनुअल वर्क तो बिल्कुल बंद हो गया है। इंडस्ट्रीज ने अपने आप कब्जा कर लिया है, और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन इतने हाई है कि मैनुअल लोग जो है उसको कभी भी चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, इनकी बात हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यह हमारा पहला पार्ट था, इसको हम इंट्रोडक्शन समझे। लेकिन बच्चों, फिर मैं बोल दूँ, 10th क्लास ये आपके काम का उतना नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपके लिए जो पीछे के 2 चैप्टर हुए हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, यही 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप बोर्ड के प्रिपरेशन के हिसाब से उनको ही फॉलो करें। थैंक यू।